मेरा नाम सूरज बड़जात्या है और हमारे पूरे बड़जात्या परिवार की तरफ से महाराष्ट्र के चरणों में नमन। महाराष्ट्र को 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। आपका आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करता आया है और आगे भी करता रहेगा। मुझे याद है जब महाराष्ट्र हमारे घर आए थे तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि जब सब आज कह रहे हैं कि समाज दूषित हो रहा है तो हम राष्ट्रीय में कैसी फिल्में बनाएं? तो उन्होंने कहा था कि पाप का संकेत दोगे तो ही पुण्य की अहमियत होगी, रावण है तो ही श्री राम जी की महिमा है, कंस है तो ही श्री कृष्ण की वैल्यू है। ऐसे ही सरल रोजमर्रा के प्रैक्टिकल चीजें बच्चों बच्चों को एकदम से समझ आ जाती हैं। आप यूं ही हमारे जीवन को यूं ही हमेशा सवारे रखें। पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आदित्य पंचोली हूं और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज, जिनको मैं खुश नसीबी से कई बार मिला हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनका भक्त हूं और वो बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत ही नेक इंसान है। और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 11 मई को गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज का 50वां जन्मदिन है। तो गुरुदेव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, और गुरुदेव के भक्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भाइयों, मैं हूं राहुल रॉय। गुरुजी उलक सागर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर। बहुत लंबी उम्र हो, आपका आशीर्वाद मुझ पे हो एंड बहुत शुभकामनाएं। और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही शुभ दिवस है। गॉड ब्लेस यू सर एंड नमस्ते। पुलक सागर जी महाराज, बहुत 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 नमस्कार, प्रणाम। आज सभी आपको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, जन्मदिन मुबारक कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जैसी पवित्र आत्माएं अपनी मर्जी से प्रकट होती हैं और अपनी मर्जी से चली जाती हैं अपना काम करके। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि प्लीज़ 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 आपकी लंबी उम्र हो और आप हमें इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गाइडिंग अस। धन्यवाद जी। नमस्कार। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मित्रों, आज मैं गुरुजी अवतरण दिवस पर उनकी दीर्घायु और कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गुरुजी के विचार और उनका मार्ग हम सब के लिए ऐसे ही प्रेरणादायक बनता रहे और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने प्रखर राष्ट्र चिंतन से ऐसे ही संपूर्ण राष्ट्र का मार्ग जो है वो प्रशस्त करें। नमो नमः। पुलक सागर जी महाराज, आपको आपके 50वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। और जब आपसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी तो आपसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी समाज के लिए और समाज के कार्यों को पूरा करने के आपके ख्वाब, ऊपर वाला सभी ख्वाबों को आप पूरा करें और आप इसी तरह समाज के लिए कार्य करते रहे।
फिर से एक बार मैं कहूंगा कि आपके 50वें जन्मदिन पर आपको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको ऊपर वाला लंबी उम्र दे, यही मेरी दुआ है। सैया बनके माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और गुरुजी गुरुवर पुलक सागर जी महाराज के 50वें पावन जन्म दिवस पर उसकी बेला पर मैं सारे अनुसरणार्थियों को, सारे भक्तों को, गुरुजी के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ इस शुभ घड़ी की कि गुरुजी के 50 वर्ष तो बीते ही हैं हमारे मध्य और ऐसे ही 50,000 बीते उनके आशीर्वाद के साथ साथ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयरियाणम्, ओम नमो उवज्जायाणम्, ओम नमो लोए सवसाहुणम्, ऐसो पंचणमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। जय गुरुदेव। मैं समस्त पुलक परिवार को बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ कि आज हमारे बहुत प्रिय और बहुत लाडले भारत गौरव आचार्य श्री गुरुदेव महाराज पुलक सागर जी का 50वां अवतरण दिवस है। इस शुभ अवसर पर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं भी आप सब जैसा एक सौभाग्यशाली हूँ जिसने उनका हमेशा स्नेह और आशीर्वाद पाया है। मैं गुरुदेव को सन 2003 में मिला था, आज से 17 साल पहले, और तब से लगातार उनका स्नेह और प्यार पाता आ रहा हूँ, आशीर्वाद पाता आ रहा हूँ और अक्सर उनकी वाणी भी सुन लेता हूँ। गुरुदेव का प्रेम सबके लिए एक समान है और मैं सोचता हूँ कि इतनी कम आयु में इतना प्यार और प्रेम और अच्छे संस्कार बांटना हमारे में एक आध्यात्मिक शक्ति उनको भगवान ने खास तौर से हमारे लिए भेजा है। पुलक सागर महाराज जी का यूं ही हम पर प्रेम बना रहे, आप सब इतनी दूर बैठ के उत्सव मनाएंगे, मैं भी शामिल रहना चाहता हूँ और मन से वहीं होऊंगा आप सबके साथ, मेरी वाणी मेरा भजन आपके साथ होगा। पुलक सागर महाराज जी ने जो प्रेम की गंगा बहाई है और शुरू की है वो सदा यूं ही बहती रहे और गुरुदेव आपका ये स्नेह और प्यार सदैव हम सब पर बना रहे, पूरे मुकेश परिवार पर
यूं ही बना रहे। जय गुरुदेव। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। स्वामी पुलक सागर जी को प्रणाम करता हूं। आपके द्वारा समाज की जो सेवाएं हुई हैं उनसे कितना लाभ हुआ है, कितने लोगों को आनंद मिला है, ये कहना अनुचित ना होगा कि जो ईश्वर हम पर कृपा बरसाता है वो आप जैसे ही संत लोगों के माध्यम से बरसाता है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे संतों का मार्गदर्शन मिला है। हमेशा हम पर कृपा बनाए रखें, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके कर्म भी अच्छे ही होंगे, ऐसा हमने आदरणीय आचार्य पुलक सागर महाराज जी से सुना है और सीखा है। आज आपका जन्मदिन है महाराज जी, मैं आपको मारवा स्टूडियो के पूरे परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं परमात्मा परमेश्वर से ये निवेदन करता हूँ कि आपकी दीर्घ आयु हो। आपके विचारों ने इस देश के लोगों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी वाणी से, अपने विचारों से देशभर और दुनिया भर में इसी तरीके से लोगों में बदलाव लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक दफा फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सुशील पांडे, महाराज जी के 50वें अवतरण दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं प्रणाम करता हूँ। इस वक्त मुझे कुछ कहने का भी विचार हो रहा है बट मेरे पास शब्द नहीं है। वैसे मैं महाराज जी से प्रथम टाइम जब मिला वो मुझे याद आ रहा है कि श्रद्धे देवेंद्र भाई जी पूना आश्रम में आपसे मुलाकात करने जा रहे थे और वो मुझे जानते हैं, मैं उनको बेहद प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि सुशील जी मैं पुणे जा रहा हूँ स्वामी जी से मिलने, आप भी चलिए। तो मैं बोला कि ये तो बड़ा सौभाग्य का मौका है, मैं चला गया। और रास्ते में सोच रहा था कि इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े स्वामी, हाँ तो कितने बड़े बड़े लोग आते होंगे, मेरा क्या ये है। बट जब वहाँ गया तो देवेंद्र भाई जी ने आपसे मुझे इंट्रोड्यूस किया, वहाँ काफ़ी लोग थे पहले से बैठे हुए, मैं भी गया। जब भाई जी ने आपसे इंट्रोड्यूस किया कि ये सुशील जी हैं और फिल्मों में काम करते हैं,
तो आपने मेरी तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा कि चश्मे के अंदर से झांकती हुई बड़ी बड़ी आंखें, एक सेकंड के लिए मैं सहम सा गया। ऐसा लगा जैसे कि स्वामी जी की आंखें चीरती हुई मेरे अंदर तक देख रही हूं और मुस्कराता हुआ चेहरा कुछ पूछ रहा हो। बट अगले ही क्षण आपने पूछा कि अच्छा, तो आप फिल्मों में काम करते हैं, और उस शब्द में इतनी मधुरता थी, इतनी शालीनता थी, इतना अपनापन था कि मैं इतना ईज हो गया, जैसे लगा कि मैं वर्षों से आपको जानता हूं, वर्षों से आपसे मिलता रहा हूं। ये आपका प्रेम है, ये आपका व्यक्तित्व है, ये है महाराज पुलक सागर जी। मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यवान समझता हूं कि एक तो सद्य देवेंद्र भाई जी मुझे मिले और वो मुझे आप तक ले गए, आपके सिर चरणों में प्रणाम अर्पित करने का एक मौका दिया। हे महाराज जी, मैं आपसे यही विनती भी करूंगा इस अवतरण दिवस पे कि आप हमेशा दुनिया को प्रेम करना सिखाए हैं, प्रेम करते हैं, यूं ही हम सबों पे अपना प्रेम बरसाते रहें, यूं ही आप हम सबों के दिलों में रहें। इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं। और 50वीं अवतरण दिवस पे मैं फिर से कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूँ, और देवेंद्र भाई जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ इतने बड़े संत से मुझे मिलाने के लिए। कोटि कोटि प्रणाम आप। भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते, के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। जय जयेंद्र मुकुट। मैं अनामिका जैनंबर, आज बहुत शुभ दिन है। दिगंबर जैन समाज के अग्रणी संत, राष्ट्रीय संत गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज के 50वीं जन्म जयंती पर हम सब उपस्थित हैं। मैं आप सबको, मुझे खुद को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे संत जिन्होंने हमें धर्म से जोड़कर रखा, जिन्होंने देव शास्त्र गुरु का मतलब बताया, उनके जन्म दिवस पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और यही प्रार्थना ईश्वर से करती हूँ कि वो स्वस्थ रहे, उन्हें दीर्घ आयु प्राप्त। आचार्य श्री पुलक सागर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। आज मैं गुरुजी अवतरण दिवस पर उनकी दीर्घ आयु और कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गुरुजी के विचार और उनका मार्ग हम सबके लिए प्रेरणादायक है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव अपने विचारों से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करे। नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेंद्र। मैं आप सबकी अपनी मैना सुंदरी नेहा श्री, ये नाम भी मुझे गुरुदेव से ही मिला है, जिसने युवा अवस्था में अपना घर परिवार त्याग दिया और जिनको जिनका अपना कोई संसार ही नहीं है, ऐसे समुख साधक आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी इस जगत को सर्वोज्ञ बनाने को और मानव मात्र को सुखम एवं समद जीवन जीने की कला में निपुण करने को करते संकल्प है। आपको भारत गौरव, शांति दूत, राष्ट्रीय संत, विश्व संत, कवि हृदय, मनोज मुनि जैसे अनेकों अलंकारों से अलंकित कर आपके भक्तों ने आपकी कृतज्ञता का परिचय दिया है। आज इस पावन दिवस पर मैं भी आपके जनवादी चिंतन का मुरीद होने के नाते आपको सर्वोदय जगत गुरु की आत्मीय भेंट आपके श्री चरणों में समर्पित कर आपकी दीर्घायु की मनोकामना करती हूँ। पुलक सागर जी, मैं आज भी नहीं भूली वो पल जिस पल मैना सुंदरी के वक्त मैंने आपको देखा था। आपके चेहरे का वो तेज,
आज भी कई बार मुझे याद आता है। गुरुदेव, मैं आशा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह बना रहे। जय जिनेंद्र। नमस्ते, मैं हूँ मानसी डोभाल और मैं पुलक सागर जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पे और मेरे को बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि पुलक सागर जी का जन्मदिन है और उनके 50वें जन्मदिन के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान उनको बहुत अच्छी लंबी आयु दे। धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर गुरुदेव जी के चरणों में शत शत नमन। आज उनके अवतरण दिवस पर मैं उनकी दीर्घायु और कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उनका मार्ग और उनका ज्ञान हम सब के लिए सदा ही प्रेरणादायक है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह इसी तरह हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे होता है बिरला गंगाजल नदियों में, कि जैसे होता है बिरला गंगाजल नदियों में, ऐसा ही है पुलक अवतरण धरा पे सदियों में। पूज्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज का 50वां अवतरण दिवस 11 मई को हम सब लोग मनाने जा रहे हैं। मैं कवि सौरभ जैन सुमन, जो ये नाम के आगे कवि का प्रयोग करता हूँ, वो लिखने का शायद अधिकार अगर मुझे मिला तो गुरुदेव के कारण मिला। उनका प्रथम वर्षायोग जो हमारे मेरठ नगर में हुआ, उनका आशीर्वाद जब मुझे मिला, मैं तब भजन लिखा करता था, उल्टे सीधे कुछ 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 लिख करके उनके पास लेकर के जाता था और उनकी गुणवत्ता मैं ही जानता हूँ आज की वो क्या थी, लेकिन उस समय बहुत बहुत अच्छे लिखा करता था मैं। तो गुरुदेव मुझे घंटों बैठ करके सुना करते थे। उनको ये मालूम था कि सौरभ जो लिख रहा है वो किसी भी योग्य नहीं है, लेकिन शायद वो उनकी आंखें ये जानती हूँ कि कल आने वाले समय में इसको मेरा आशीर्वाद फलेगा और पूरा हिंदुस्तान इसको कवि की मान्यता देगा। तो वो जो मेरा कवित्व का, मेरे काव्य काल का जो शैशव काल था, वो पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज के द्वारा सींचा हुआ है, उनके द्वारा आशीर्वाद से पल्लवित है, पुष्पित है। पूज्य गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी सौम्य मुद्रा, उनकी मुस्कान, उनके अंदर का वो एक बालकपन, तपस्वी तो वो है ही, जो कठिन तपश्चर्या दिगंबर जैन संतों की होती है उसका अक्षरशः वो पालन करते हैं, बावजूद उसके जो उनके अंदर एक अल्लड़पन है, जो उनके अंदर एक खिंचाव है, एक आकर्षण है, वो युवा पीढ़ी को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता है। मैं भी उनसे बहुत आकर्षित हूँ। उनकी मुस्कान, शायद आपके पास कितनी भी कोई भी समस्या हो, केवल उनके पास आप बैठ जाओ, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ खत्म हो गया, जो भी समस्याओं का ढेर आप वहां पर लेकर के गए थे, वो सारा का सारा जल गया, वो सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। वो चैतन्यता का जो एक पर्याय मैं कहना चाहूंगा कि है, वो है मेरे गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज। अभी हम लोग पूरा का पूरा विश्व इस समय आप लोग जानते हैं कि कोरोना की महामारी से ग्रस्त है, सब लोग कैद हैं अपने अपने घरों में, लगातार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। तो जो उत्सव हम लोगों को मनाना था, एक बड़ा उत्सव हम लोगों को 50 वर्ष पूरे होने पर मनाना था, वो हम लोग नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हमारे मन में उत्साह नहीं है, हम सभी लोग अपने अपने घरों से बैठ करके उनका जन्मदिन मनाएंगे, उनका अवतरण दिवस मनाएंगे, अपने अपने भाव हम गुरुदेव के पावन पुण्य चरणों में अर्पित करेंगे। आप लोग भी कीजिए और मैं भी करूंगा निश्चित उस तारीख को, जैसा भी अंकित भैया बताएंगे कि क्या समय रहेगा, क्या कैसे रहेगा, मैं भी और अन्य कवि भी आप लोगों के सामने आएंगे और कविता के रस से उस कवि हृदय गुरुदेव को नमन करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। आइए सब लोग मिलकर के मनाते हैं 50वां अवतरण दिवस, पूज्य परम पूज्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज का जय। जय जिनेंद्र। दोस्तों, आने वाली 11 मई को परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती महामहोत्सव हम सबके बीच में आने वाला है। हम सब जानते हैं कि यदि परिस्थितियां सामान्य होती तो उनके सभी भक्त एक भारतवर्षीय महामहोत्सव के रूप में उनकी स्वर्णिम जन्म जयंती का आयोजन करते, जिसमें हम सभी एकत्र होते और अपनी अपनी भावनाएं, शुभकामनाएं, अपनी अपनी विनयांजलियां गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते।
किंतु कोरोना वायरस के चलते हम सभी की गतिविधियां कहीं ना कहीं नियंत्रित हैं, लेकिन हमारी भक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो हम जहां पर भी हैं वहां से गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी अपनी अभिवंदना निवेदित करते हैं, अपनी विनयांजलि निवेदित करते हैं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव को सदैव आरोग्य की प्राप्ति हो, उनका रत्नत्रय हमेशा कुशल रहे और उनकी ओजमयी वाणी हमेशा हम सबका ऐसे ही मार्ग प्रशस्त करती रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव के श्री चरणों से बहुत वर्षों से जुड़ा हूँ और मुझे उनका बहुत वात्सल्य मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है। कई आयोजनों में मुझे अपनी प्रस्तुति करने का अवसर मिला है, मैंने कई उनके भजन गीत रिकॉर्ड किए हैं जो आप सबने सुने भी हैं, बहुत पसंद भी किए हैं। तो गुरुदेव का निरंतर आशीर्वाद हमेशा से मिल रहा है और यही प्रार्थना है कि आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम सभी पर। इस स्वर्णिम जन्म जयंती के निमित्त कुछ नई पंक्तियां लिखी हैं, तो अपनी विनयांजलि के रूप में मैं वो पंक्तियां गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूँ, सुनिए। पुलक सिंधु गुरुदेव की स्वर्णिम जन्म जयंती आई है, पुलक सिंधु गुरुदेव की स्वर्णिम जन्म जयंती आई है, गुरुवर के सब भक्त जनों को शिष्य जनों को बधाई है, गुरुवर के सब भक्त जनों को शिष्य जनों को बधाई है, उम्र हमारी लगे उन्हें हमने ये दुआ भिजवाई है, उम्र हमारी लगे उन्हें हमने ये दुआ भिजवाई है, पुलक सिंधु गुरुदेव की स्वर्णिम जन्म जयंती आई है, गुरुवर के सब भक्त जनों को शिष्य जनों को बधाई है, भारत गौरव राष्ट्र संत की महिमा अपरंपार सुनो, अद्भुत चिंतन और प्रवचन से मोहित है संसार सुनो, गोपी बाई के प्यारे भीकम के राज दुलारे वचनों के जादूगर हैं ज्ञानी गुरुदेव हमारे, मुख पर सूरज सा है तेज और दिव्य लालिमा छाई है, पुलक सिंधु गुरुदेव की स्वर्णिम जन्म जयंती आई है, गुरुवर के सब भक्त जनों को शिष्य जनों को बधाई है, गुरुवर के सब भक्त जनों को शिष्य जनों को बधाई है। पुनः पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु और पुनः यही कहते हुए विनयांजलि अपनी समाप्त करूंगा कि गुरुदेव शतायु हो और अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बनाए रखें। धन्यवाद। भक्तों को भक्ति सुहाती है, भक्ति ही युक्ति बताती है, गुरु की भक्ति ऐसी अनुपम है, मुक्ति तक भक्त को ले जाती है। जय जिनेंद्र बंधुओं, भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर यह भजन आप सभी के समक्ष और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। जय बोली भारत गौरव राष्ट्र संत गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। देश और विदेशों में अपने अपने घरों पर मौजूद जैन धर्मावलंबियों और जैन समाज के प्रबुद्ध जनों को हम दोनों भाइयों का जय जिनेंद्र। बंधुओं में रूपक जैन और मेरे साथ बड़े भैया दीपक जैन, आप सभी को ये जानकर अति हर्ष होगा कि भारत गौरव राष्ट्र संत गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्मोत्सव हम सभी लोग मिलकर मना रहे हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण हम गुरुदेव के चरणों तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम इतने भी विवश नहीं हैं कि अपनी भावनाओं को गुरुदेव के चरणों तक ना पहुंचा पाएं। अपनी भावनाओं को, कुछ उद्गारों को इस भजन के रूप में हम दोनों भाइयों ने पिरोया है, क्योंकि गुरुदेव के चरणों से जो जुड़ जाता है वो कभी भी जमाने की ठोकर नहीं खाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी के लिए गुरुदेव के जन्मोत्सव के संबंध में ये भजन
आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं, गुरुदेव की भक्ति करते हैं, गुनगुनाते हैं। आइए नमस्कार। चिंतन बाकीवाला का सादर जय जिनेंद्र। और आज का जो ये कार्यक्रम या मैं गाना लेकर ये गीत लेकर आया हूँ ये बहुत ही विशेष है और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है क्योंकि हम सब मिलके पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार और बल्कि सभी भक्तगण हम मिलके मना रहे हैं एक जन्मोत्सव और वो जन्मोत्सव है हम सबके प्यारे आदरणीय आचार्य भगवान राष्ट्र संत पुलक सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्मोत्सव। और मैं इसके लिए पूरे अखिल भारतीय राष्ट्रीय पुलक मंच परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद अपने हृदय की गहराइयों से दूंगा कि इतने महान गुरुवर आचार्य गुरुवर श्री पुलक सागर जी महाराज के श्री चरणों में मुझे भी कुछ भक्ति वश कुछ गाने के लिए उनका उनका अनुमोदना करने के लिए सौभाग्य का क्षण वो दे रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं आचार्य श्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार वंदन प्रणाम नमोस्तु 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 करता हूँ और यही कहूँगा कि हम सब बड़भागी हैं हम सब भाग्यशाली हैं कि हम वो क्षण जब उनका 50वां स्वर्णिम जन्मोत्सव मनाने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है उसमें एक मैं भी हूँ। और गुरुदेव का मेरे को याद पड़ता है कि पुष्पगिरी प्रवास पे जब आचार्य भगवान पुलक सागर जी महाराज का आना हुआ था और उन्होंने मुझे बेहद आशीर्वाद दिया था और कहा था कि चिंतन तुम सुरीला गाते हो और तुम जो है इस देश के अंदर आगे तुम्हारा नाम बढ़े समाज के लिए अध्यात्म के लिए तुम्हारा कंठ का स्वर का उपयोग हो सके और मेरा खूब खूब आशीष है तुम्हें। तो ऐसे गुरुदेव के ऐसे पावन गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा वंदन नमोस्तु भगवान आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर रहे हम सब पर बना रहे। और आज
इस जन्म दिवस पे, जो कि 11 मई को आपका ये जन्म दिवस आ रहा है, मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए और हम सब की तरफ से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इन पंक्तियों को स्वीकार करें भगवान। जय जिनेंद्र। मैं कोटा से डॉक्टर आदित्य जैन बालकवि, पूज्य गुरुदेव भारत गौरव पुलक सागर जी महाराज के चरणों में अपने शश्वत नमन निवेदित करता हूँ। हमारे गुरुदेव तप, त्याग, दया और करुणा के सागर हैं। वे जैनों के नहीं बल्कि जन जन के संत हैं। ऐसे संत के चरणों में कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। बंती धरा भी स्वर्ग जहाँ पढ़ते तेरे चरण हैं, बंती धरा भी स्वर्ग जहाँ पढ़ते तेरे चरण हैं, आसन जहाँ लगाते होता समो शरण है, अंबर भी आके करता जिनका मंगला चरण है, ऐसे पूज्य गुरुवर को मेरे शत शत नमन है, ऐसे पूज्य गुरुवर को मेरे शत शत नमन है। अपने गुरुदेव में सब अपने भगवान की छवि देखते हैं। मैंने गुरुदेव में किसकी छवि देखी है, सुनिएगा। क्रांति की नई शमशीर तुम ही हो गुरुवर, क्रांति की नई शमशीर तुम ही हो गुरुवर, सुर तुलसी हो या कबीर तुम ही हो गुरुवर, मेरे राम हो रहमान हो ईसा नानक हो, इस युग के नए महावीर तुम ही हो गुरुवर, इस युग के नए महावीर तुम ही हो गुरुवर। जहाँ गुरुदेव रहते हैं वहाँ कैसा महोत्सव होता है कि साथ पूज्य गुरुदेव जैसे संतों का हो तो सार दिखाई देता है, साथ पूज्य गुरुदेव जैसे संतों का हो तो सार दिखाई देता है, जीवन को जीने का आधार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा आते हैं चले जाते हैं, होली दिवाली दशहरा आते हैं चले जाते हैं,
जिस नगर में जहाँ गुरुदेव जैसे संत हों वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। एक छोटा सा गीत पूज्य पुलक सागर जी गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर निवेदित करता हूँ, सुनेगा। पुलक सागर जी को प्रणाम है मेरा, पुलक सागर जी को प्रणाम है मेरा, मोक्ष मार्ग का बन के पुजारी हृदय में वीर उकेरा, पुलक सागर जी को प्रणाम है मेरा, मोक्ष मार्ग के इस राही की जगने महिमा गाई, मोक्ष मार्ग के इस राही की जगने महिमा गाई, मोह माया भी उनको अपने पथ से डिगा न पाई, आदित्य के तुल्य तपस्वी और शशांक से शीतल, आदित्य के तुल्य तपस्वी और शशांक से शीतल, नभ से ऊंची सोच है जिनकी सागर सी गहराई, जिनकी उंगली थाम के चलते, जिनकी उंगली थाम के चलते संध्या और सवेरा, पुलक सागर जी को प्रणाम है मेरा। जब से तुमको देखा मन मंदिर में फूल खिले हैं। पूरी दुनिया प्रश्न उठाती है जैन संतों की नग्नता पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर नग्नता पूजित हुई तो केवल दो लोगों की पूजित हुई, एक उस शिशु की जिसके अंदर पाप पुण्य भावना दुर्भावना जैसा कुछ नहीं होता, और दूसरी नग्नता पूजित हुई तो हमारे जैन संतों की जो पाप और पुण्य के बंधन से ऊपर उठ चुके होते हैं। तब पढ़ता हूं पंक्तियां कि जब से तुमको देखा मन मंदिर में फूल खिले हैं, भूल गया सारी तकलीफें शिकवे हैं न गिले हैं, तुझ में दिखते सारे तीर्थ तू सबसे है ऊंचा, तुझ में दिखते सारे तीर्थ तू सबसे है ऊंचा, तेरी सूरत में मुझे गुरुवर चारों धाम मिले हैं, आपके सानिध्य में आना, आपके सानिध्य में आना एक कर्तव्य था मेरा, पुलक सागर जी को प्रणाम है मेरा, मोक्ष मार्ग का बन के पुजारी हृदय में वीर उकेरा, पुलक सागर जी को प्रणाम है मेरा, पुलक सागर जी को प्रणाम है मेरा। पूज्य गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर उनके चरणों में शशत नमन, और आप सभी को इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सबको पता है आगामी 11 मई को हम लोग आचार्य श्री पुलक सागर महाराज का 50वां अवतरण दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। मैं मयंक जैन वीर, मैंने गुरुजी के दर्शन 8-9 साल पहले इंदौर में किए थे। तब से मैं गुरुजी से कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 5 साल पहले एक थिएटर किया था, थिएटर की शुरुआत की, उसके बाद मैंने अभिनय में शुरुआत की। अभिनय में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी भाषा। मैंने गुरुजी की प्रवचन सुन सुन के, वॉइस मॉड्यूलेशन, भाषा, स्पीच सब सुन सुन के, जो भाषा पर कमांड गुरुजी की है, मैं नहीं समझता भारतवर्ष में किसी की इतनी भाषा पर कमांड होगी। मैंने गुरुजी से भाषा सीखी, गुरुजी से वर्चुअल रूप से बहुत कुछ जुड़े रहने की कोशिश की, और अभी तक मैं गुरुजी का परम भक्त हूँ। इसी संदर्भ में आपसे कहता हूँ, गुरुजी जो भी बातें बोलते हैं, जो भी सिखाते हैं, वो अपने दैनिक जीवन में, अपने आचरणों में हम उतार सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें ऐसे गुरुजी का आशीर्वाद मिला, हम बहुत धन्य मानते हैं अपने आप को। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, आपको मेरा नमोस्तु। मैं कलकत्ता निवासी राज जैन, सुपुत्र राजीव निशा जैन, पौत्र स्वर्गीय कैलाश चंद्र जैन घी वाले, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको
आपके 50वीं जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद तथा करुणा और स्नेह हम सब पर यूं ही बरसता रहे। मैं ये भी चाहूँगा कि आज हमारा विश्व और पूरा देश जिस महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है, वो आपके तप, संयम और आशीर्वाद से हमारी पूरी मानव जाति उस महामारी के प्रकोप से मुक्ति पाए। मैं ये भी चाहूँगा कि आपके मार्गदर्शन में हमारा जैन धर्म और ऊंचाइयों को छुए। एक बार फिर आपकी 50वीं जन्म जयंती पर मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय जिनेंद्र। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 11 मई को हम पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज के 50वें अवतरण दिवस को मनाने जा रहे हैं। हालांकि अगर लॉकडाउन ना होता तो बहुत बड़े स्तर पर एक बहुत बड़ा महोत्सव होता, हम सभी भक्तों द्वारा मनाया जाता, लेकिन अभी वैसा संभव नहीं है। लेकिन हम घर पर भी बैठकर अपनी भावनाओं को प्रेषित कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ भावनाएं मेरे छोटे भाई रूपक जैन ने लिखी है और मैं दीपक जैन उनको आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आप सुनिए। सिंधु ज्ञान के दिवाकर गोपी बाई भी कम जिसुत, गोपी बाई भी कम जिसुत आगम रत्नाकर। जन्मे आज पुलक सिंधु ज्ञान के दिवाकर, जन्मे आज पुलक सिंधु ज्ञान के दिवाकर। ओ झरता जैसे भारत गौरव कृपा के दानी, छोटी सी उम्र बने बहु आयामी। करुणा कृपा दया और करुणा कृपा दया और सुख के है सागर। जन्मे आज पुलक सिंधु ज्ञान के दिवाकर, जन्मे आज पुलक सिंधु ज्ञान के दिवाकर। गोपी बाई भी कम जिसुत, गोपी बाई भी कम जिसुत आगम रत्नाकर। जन्मे आज पुलक सिंधु ज्ञान के दिवाकर, आगम रत्नाकर ज्ञान के दिवाकर, आगम रत्नाकर। गुरुदेव पुलक सागर जी के 50वें जन्म दिवस पर मैं जैन संगीतकार विपिन पोरवाल गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और अपनी तरफ से ये पुष्प गुरुदेव को अर्पित करता हूँ। गुरु पुलक सागर जी पलकों में बसते हैं, गुरु पुलक सागर जी पलकों में बसते हैं, पलकों के रास्ते ये
हो पलकों के रास्ते ये दिल में उतरते हैं गुरु पुलक सागर जी, पलकों में बसते हैं वाणी में शेर की गर्जन, करते नव युग का सर्जन गुरु के वचनों में आगम, वीरों के जैसा पराक्रम धैर्य धरती के जैसा हो, धैर्य धरती के जैसा तेज है सूर्य के जैसा, महावीर से लगते हैं गुरु पुलक सागर जी, पलकों में बसते हैं। 50वां जन्मदिन आया भक्तों का मन हर्षाया, प्रगटे उत्सव के दीपक संघों में आनंद छाया, जियो जुग जुग गुरुवर हो, जियो जुग जुग गुरुवर हमारी उम्र न्योछावर, जियो जुग जुग गुरुवर हमारी उम्र न्योछावर, प्रदीप विपिन कहते हैं गुरु पुलक सागर जी, पलकों में बसते हैं गुरु पुलक सागर जी, पलकों में बसते हैं, पलकों में बसते हैं, पलकों में बसते हैं। एक बार फिर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय जिनेंद्र, जय जिन शासन, जय महावीर।